दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं PACL इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में और इस समय मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं उद्योग गुड न्यूज़ देने के लिए। साथियों, जो सबसे पहली गुड न्यूज़ है वो है भुगतान को लेकर के, और दूसरी जो गुड न्यूज़ है वो है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है उसकी अपडेट को लेकर के। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सन 2018 में 2,500 रुपये तक का पेमेंट सबको मिला, उसके बाद फिर 2019 के अंदर 5,000 तक का पेमेंट सबको मिला, और जिन लोगों का पेमेंट अभी नहीं मिल पाया है उनका पेमेंट भी जल्द से उनके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो मैं नई फॉर्म भरने की डेट भी आपको साथ में बताने वाला हूं कि आप दोबारा से फॉर्म भरिए और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दूसरे जो सब जो भुगतान को लेकर जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, खुशखबरी वाली बात है, वो ये है कि 1 जनवरी से 5,000 के ऊपर और 50,000 के नीचे वाला अमाउंट का भुगतान अब शुरू हो जाएगा। ये सबसे अच्छी खबर है क्योंकि लोग लगातार मुझसे फ़ोन करके भी पूछते हैं, कमेंट के माध्यम से भी पूछते हैं कि मिश्रा जी 5,000 के ऊपर का पेमेंट कभी मिलेगा, जिन लोगों ने बड़े अमाउंट जमा किए थे वो पैसे कब मिलेंगे। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 5,000 से 50,000 तक का अमाउंट मिलना अब शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद वो दिन भी दूर नहीं जब 50,000 के ऊपर का अमाउंट भी मिलेगा, लेकिन 50,000 तक के जो कस्टमर्स थे, कंपनी में इन्वेस्टर थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो ये बहुत अच्छी राहत की खबर है। और दूसरी बात साथियों, ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट था वो तीसरी बार आपको फिर से एक मौका मिलने वाला है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। वो जो डेट आई है सेबी की तरफ से वो 18 जनवरी से 30 अप्रैल तक की डेट आई है, यानी आप 18 जनवरी से PACL का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और 30 अप्रैल उसकी आखिरी डेट है। देखिए, ये जानकारी सेबी ने पहले ही इसलिए दे दी है क्योंकि जब फॉर्म भरने की बात आती है तो आप में से कुछ लोग ये बहाना बताते हैं कि भाई मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका मेहनत की कमाई का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है, तो आपको खुद इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। अगर 3-3 महीने तक अगर आप पैन कार्ड नहीं बनवा पाते और आप बोलते हैं कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसको किसी बड़ी लापरवाही से कम मैं नहीं कह सकता हूँ। इसके लिए मैं मातृभूमि टीवी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ ये जानकारी कि 18 जनवरी से 30 अप्रैल तक तीसरे टर्म में फॉर्म भरे जाएंगे और आपका फॉर्म भरना अनिवार्य है। चौथी बार मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, 3 मौके बहुत होते हैं। तो कृपया आप आधार पैन कार्ड का और बैंक अकाउंट का बहाना ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए। और दूसरी बार साथियों, एक लापरवाही आप और भी कर देते हैं कई बार कि जब भी आखिरी डेट आता है तो फॉर्म भरने पहुंचते हैं, उस समय जो सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है, जो वेबसाइट होती है उस पर इतने ज़्यादा लोग फॉर्म को लॉगिन करना शुरू कर देते हैं कि सर्वर डाउन हो जाता है, वेबसाइट हैंग हो जाती है। इसके लिए कृपया आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि आप लोग जब 18 जनवरी से जैसे ही तीसरी ऑनलाइन फॉर्म की टर्म ओपन होगा तुरंत आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू कर दीजिए और शुरुआती दौर में ही फॉर्म भर लीजिए। अगर आप शुरुआती दौर में ही फॉर्म भर लेंगे तो जिसको 2,500 का पेमेंट नहीं आया होगा उसका भी आ जाएगा, जिसका 5,000 तक का नहीं आया होगा उसका भी आ जाएगा, और 50,000 तक की तो बात कही जा रही, यानी 0 अमाउंट से लेकर के 50,000 अमाउंट तक के सारे पैसे आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी से। तो आप लोग इसको पूरे संजीदगी से इस बात को लीजिए और आपकी बार कृपया इसमें कोई भी लापरवाही मत करिए, ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात साथियों, एक सवाल ये भी लोगों का आ रहा है कि
जिन लोगों के नॉमिनीज एक्सपायर हो गए हैं, मेन पॉलिसी होल्डर एक्सपायर हो गए हैं, पॉलिसी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र होनी है, कुछ लोगों के सर्टिफिकेट घूम गए थे, उन्होंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स निकाले थे, उसके बाद कुछ लोगों ने फॉर्म कंपनी में सबमिट कर दिया था, उनको रसीद मिल गई है, तो इसी 18 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में उनके लिए भी कोई ना कोई सर्कुलर आएगा जिनको रसीद मिली है, और उनके पैसे मिलने के रास्ते भी इसमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यानी PSEL कंपनी के अंदर एक भी ऐसा शख्स नहीं बचेगा जिसका पैसा बकाया रह जाएगा, उसका पैसा हर हालत में हर कीमत पे उन्हें मिलना ही है। और दोस्तों, जिस तरीके से PSEL इंडिया लिमिटेड कंपनी के सभी निवेशकों से मैंने ये वादा किया है कि राजेश मिश्रा और मातृभूमि TV जिस तरीके से लगातार आपके साथ मैं तकरीबन 1.5 साल से बना हुआ हूँ, और ये मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जब तक आप लोगों का एक एक रुपया आपके अकाउंट में नहीं आ जाता, तब तक मैं लगातार आपके साथ यूं ही बना रहूँगा और अपनी जिम्मेदारी को हमेशा निभाता रहूँगा। क्योंकि एक बार जब मैं खुद से कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ये मेरा आप लोगों से वादा है और आप लोग इस बात को जानते भी हैं। तो साथियों, PSEL की जैसे ही कोई लेटेस्ट खबर आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा मातृभूमि TV पर, और मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सड़क से लेकर संसद तक जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, और मातृभूमि TV भी लगातार हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलता रहा था, और हम लोग हमेशा यूं ही साथ बने रहेंगे। और आप लोग से मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 18 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में जो फॉर्म भरने की नई डेट अनाउंस हुई है SEBI के द्वारा, उसको आप लोग संजीदगी से लें और फॉर्म को तुरंत भरें ताकि आप अपनी गाड़ी कमाई का पैसा प्राप्त कर सकें और आपके चेहरे पर मुस्कान आ सके। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि TV। जय हिंद।